अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम अजीम है और आप देख रहे हैं बिलियू न्यूज। गजा की पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है, शायद फिर तमाम बंदिशें भी खत्म हो जाएं। अनवारुल हक काकड़ का बयान। कराची की तमाम छोटी और बड़ी संतें आज बंद रहेंगी। गैस की कीमतों पर एहतजाज पर आज एक्सपोर्ट्स के यूनिट्स भी बंद रहेंगे और तमाम कारोबारी दुकानें भी बंद रहने का इम्कान। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम ताहाल जारी ना होने का इंकशाफ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम को आगाह करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन में मजीद तखीर नहीं होनी चाहिए। स्मोक की बढ़ती सूरत हाल में कमी, फजाई आलूदगी में एक बार फिर से इजाफा। फजाई आलूदगी से लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए पानी की दस्तियाबी एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद की तलाश में मदद फराहम करने के लिए बरतानवी फ़ौज ने गजा की फजाई निगरानी का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने सरकारी गाड़ियाँ वापस ना करने पर साबिक वज़रा MPA और अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। तमाम गाड़ियाँ वापस दफातर में लाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक दिन में 74,000 से ज़ायद लाइसेंस का इजरा करके रिकॉर्ड कायम कर दिया और तमाम ड्राइविंग परमिट भी जारी कर दिए। इमरान ने अपनी कुर्सी जरदारी के तराशे हीरे के हवाले कर दी। ये PTI लीडर्स और कारकुनों के लिए डूब मरने का मकाम है। ख्वाजा आसफ का बयान। शमाली गजा में 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की जान लेने के बाद इसराइल ने छापों में मतदद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और फ़लस्तीन पर मजीद हमले शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल। उजलत में इलेक्शन के कई कानूनी तकाजे अधूरे रह गए। कानूनी माहरीन का बयान। अवाम को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। चेयरमैन नैब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। परवेज़ खटक का नौशहरा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तमाम पार्टियों को हराने का दावा। मेरी 40 साल खिदमात है, नौशहरा में अकेला इलेक्शन में खड़ा होंगे, परवेज़ खटक के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स पर 62,000 की हद अबूर कर गया। नए कारोबारी हफ्ते का गाज भी शुरू हो गया। सियासी इंतकाम हार गया, अब माशी बदहाली को शिकस्त देनी है। हम इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के माशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू।